हेलो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बूटी फ्राई। तो उसके लिए मैंने 600 ग्राम मटन ले लिया यहाँ पे बोनलेस। 600 ग्राम मटन में हम डालेंगे एक ढक्कन विनेगर का, लगभग 2 कप पानी डालूंगा उसके अंदर। क्या होगा, जो मेरा मटन है वो टेंडर हो जाएगा। 150 ml ऑयल डालेंगे हम, मटन को हम डाल देंगे कुकर के अंदर। अच्छे से स्टर दूंगा अपने मटन को। 3 मिनट तक तेज़ आँच पे ऐसे पकाना है। देख सकते हैं मटन ने मेरा कलर बदल लिया है। तो एक बड़ा प्याज स्लाइस कर रखा है वो मैं उसमें डाल दूंगा। अच्छे से उसको स्टर दे देंगे। एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, पिंच ऑफ हल्दी, और अच्छा सा हम इसको स्टर देंगे इसके अंदर। तो ये 3 मिनट हो गए, प्याज ने कलर बदल लिया है। इसमें मैं डालूंगा 2 कप पानी। अच्छा से दूंगा मैं अपने मटन को स्टर। लगभग 6 से 7 विसल लगाएंगे। तो 5 से 6 विसल आ गई है। हम कुकर की गैस को निकाल लेंगे और अपने मटन को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं मटन मेरा गलने चालू हो गया है अच्छे से। तो हमें क्या करना है, खुल के इस सारे पानी को सुखाना है। तो देख सकते हैं आप, मेरा मटन एकदम ड्राई हो गया है। प्याज का और जिंजर गार्लिक का फ्लेवर जड़ तक इसके अंदर चला गया है। तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे जी बंद और डाल लेंगे एक बाउल के अंदर ठंडा होने के लिए। ओहो, देख रहे हैं मेरे मटन के पीसीस कितने अच्छे लग रहे हैं। बूटी हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। आइए हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। बड़ा चम्मच डालेंगे हरा धनिया का, 1 चम्मच तंदूरी मसाला, चाट मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर स्पाइसीनेस के लिए 1 चम्मच, नमक पिंच ऑफ काला नमक, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के, जिसको कोटिंग कच्ची सब्जी तक हमें देना है। आइए इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। कॉर्नफ्लावर हमें इसके अंदर इतना रखना है कि इसके ऊपर एक कोटिंग कंसिस्टेंसी आ जाए कॉर्नफ्लावर की। देख सकते हैं मेरी मटन पर बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो जब हमें मीडियम आंच पे करना है इसको, उससे क्या होगा ये अंदर तक फ्राई होगा। तो जी, रमज़ान के दिनों में क्या होता है, जब इफ्तार होता है तो लोगों को क्विक चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको टाइम नहीं होता बनाने का। तो ऐसी क्विक रेसिपीज़ को वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो जी, हमारा जो मटन की बोटी है वो ऑलरेडी जो है कुकड है। तो हमें इसकी इसको एक थोड़ा टेंडर करना है, एक बाहर से थोड़ा क्रिस्पीपन देना है। तो उसको हम ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मेरे मटन पे अच्छा कलर आ गया है, अच्छा क्रिस्पीपन आ गया है। मैं अपनी बोटियों को निकाल दूँगा। ओह, तो जी क्विक रेसिपी के साथ क्विक हरी चटनी, 20 ग्राम धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 अदरक की गांठ, 4 से 5 लहसुन की गलियां, हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर, 1 चम्मच नमक, हल्की सी लाल मिर्च। तो तैयार है हमारी क्विक मटन बोटी फ्राई। सेसमे सीड्स, हरा धनिया। तो जी, आज हमने आपको बना के दिखाया है मटन बोटी फ्राई इंस्टेंट रेसिपी। तो कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।